अच्छा भाई देखें, बकरीद करीब है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, और बहुत सारे लोगों का कुर्बानी का इरादा भी होगा इस साल। और महंगाई और तूफान बदतमीज़ी जो मचा हुआ है मुल्क के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस दफ़ा उस लिस्ट से आउट हैं कि जो कुर्बानी करेंगे या हिस्सा डालेंगे। बहुत सारे लोग यानी मेरे, अब पहले बहुत कम होता था कि जानने वालों में इतनी बड़ी तादाद में लोग ना कर रहे हो कुर्बानी, लेकिन अब मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि हम नहीं कर रहे कुर्बानी। और हर साल हम साहिब इस्तेदात लोगों में आते थे, लेकिन इस साल तो बिलों और फीसों और खाने पीने को पूरा करें, ये सब पूरा करें कि कुर्बानी करें। और हमारी नियत तो बहुत है, अल्लाह खैर के साथ बेहतर इंतज़ाम करे, वाकई अल्लाह पाक खैर के साथ सबके लिए एहतमाम अल्लाह पाक फरमा दे, आमीन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम ख्याल नहीं रखते और नहीं रख रहे। तो कुछ चीज़ें हैं कि जिनका अगर हम ख्याल रख लें और अपने मुल्क को कैनेडा समझ लें तो आसानी रहेगी सबके लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर हम जितना हम बाहर के मुल्कों को अपना वतन बनाने के चक्कर में रहते हैं, अगर अपने वतन को बाहर का मुल्क बनाने के चक्कर में रहें तो शायद हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सारे इस किस्म के लोग जो हैं वो बाहर जाने के बड़े शौकीन हैं, बड़े दिल है उनका कि किसी तरह से बस वीज़ा लग जाए ना, कुर्बानी आ रही है। उसके बाद जानवर जिस तरीके से हम लेकर आते हैं, एक बेचारी सहमी हुई गाय होती है और 10-12-15 लोग जंगले के ऊपर जंगली चढ़े हुए होते हैं, और वो बेचारी दगती है तो भी उसको डांटते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, जबकि मतलब एक खुद इमेजिन करें, एक जानदार है वो पला बड़ा किसी और माहौल में, आया किसी और माहौल में, आ रहा है कहीं और माहौल में, और जिस तरीके से आ रहा है, बाद एक सुजुकी के अंदर 3-3 गाय रखी हुई होती हैं, यार थोड़ा ख्याल करो। मतलब अल्लाह मियाँ को फिर वही वाली आयत है कि खून और गोश्त नहीं पहुँचता, आपका तकवा और आपका अमल की पाकिजगी आपकी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। उस अमल की पाकिजगी में सिर्फ गोश्त धो लेना और बिस्मिल्लाह पढ़ लेना शामिल नहीं है। उस जानवर को, उस कुर्बानी के जानवर को ज़िंदा रहते रहते भी किस कदर आप आराम और आसाइश से रखते, ये सब शामिल है उसके अंदर। जानवर का बिदकना, जानवर का परेशान होना, इनफैक्ट अगर जानवर जो आप लेकर आ रहे हैं कुर्बानी के, बैल बछड़े गाय जो भी बकरे ऊँट बिदक भी जाते हैं, वो अपनी जिबिल्लत पर हैं, अपनी खसलत पर हैं, ऑब्वियसली वो जानवर हैं, वो टेम्ड नहीं हैं, वो पालतू और सधाए हुए जानवर नहीं हैं, तो उनका बिदक जाना भी एक नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है। और बेशुमार दफ़ा आपने ये मनाजिर देखे होंगे कि वो एक जानवर बिदक गया है तो पूरी गली ओ ये करता करती भी जो है ना उस जानवर को मज़ीद हरेस कर रही होती है। हालांकि अगर जानवर वो है और ये बेमानी आवाज़ें उसके हलक से और चीखें उसके हलक से निकलें तो समझ में आती है, पढ़े लिखे और समझदार और इंसान नुमा लोगों के हलफ से ऐसी बेकार सी चीख पुकार निकलना तो मतलब समझ नहीं आता ना कि जानवर कौन है ये, इधर जो खड़े सलवार कमीज में या जो उधर बेचारा सिर्फ जानवर लग रहा है वो है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे थोड़ी तमीज़ सीख लोगे तो मर नहीं जाओगे, सही कहते थे। तो वाकई थोड़ी तमीज़ सीख लेंगे ना, कुर्बानी की टेक्निकलिटीज़ हम सारी पूरी कर देते हैं। हलाल हराम का फ़ैसला तो अल्लाह पाक करने वाला है। बहरहाल जो चीज़ें मोटी मोटी बताई गई हैं हराम से बचने की, वो उनसे ज़रूर बचें और उसके बाद हलाल के लिए कोशिश करें। और बिल्कुल बहुत से लोग इस साल हज पे नहीं जा सके, लेकिन बहरहाल माँ बाप सबके घरों में हैं जिनके ऊपर बहुत मोहब्बत से नज़र डालना। दिन में हज मकबूल यानी जो हो हज कबूल होना ही होना है उसका बाइस है, तो वही कर लें तो बहुत, वो भी बहुत है। और उसके बाद आती है कुर्बानी, कुर्बानी के लिए हलाल का अहतमाम करें, जानवरों की निगहदाश्त और यानी अच्छाई से उनको रखने का अहतमाम करें, और पड़ोसी ऐसा अहतमाम करें कि आपके पड़ोसी आपके मोहल्लेदारों को भी प्रॉब्लम नहीं हो और वो भी शिकायत ना करें। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, बचपन से मैं हमेशा सोचती रही कि कभी मौका मिलेगा तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, और आज ऐसी बस जहन में आया कि यार ये बात मुझे कहनी चाहिए कि हमारे यहाँ कच्ची ज़मीन बहुत होती है घरों के बाहर भी और फ्लैट्स के बाहर भी, अपार्टमेंट्स के बाहर भी, तो क्यों ना एक लंबी सी जहर बात है, ओझड़ी हुआ उठाते उठाते और खून और आलाइशें उठाते उठाते इदारों को भी टाइम लगता है
और सबसे उससे ज़्यादा तो उन्हें ये टाइम लगता है कि वो अपने आप को आमादा कर लें कि वो काम करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो चीज़ की पूरा साल आदत नहीं रही है वो ईद पे कैसे होगी। तो बेहतर ये है कि हम अपने इलाकों को खुद ही साफ कर लें, क्योंकि हम उनको तो नहीं सुधार सकते। ये है कि आपके अपार्टमेंट के बाहर जगह है, आपके घरों के बाहर जगह है, क्यारी है, तो आप वहाँ पे एक गड्ढे का अहतमाम ज़रूर रखें ताकि खून और अलाइशी उसमें डाल के आप दफन कर सकें। और इसमें इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि आपने आपका जो पूरा अमल होगा कुर्बानी का, जानवर मंडी से लाने से लेकर घर लाने तक और उसके बाद कुर्बान होने तक, जब आप उसको बाद में एनालाइज़ करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि हाँ यार ये मैंने पिछले 10 दिन में मैंने ये काम किए, एक हफ्ते में किया, तो आपको खुद खुशी होगी कि यार मैंने किसी भी स्टेज पे किसी की भी नाराज़गी का एहतमाम नहीं किया और मेरा पूरा अमल जो था वो एक खूबसूरत तरीके से इख्तिताम को पहुंचा, जिसके अंदर सबसे पहले पूरा साल मैंने रिज़्क़े हलाल का एहतमाम किया, मैंने कमाया और उसको बचाया, अपनी ज़रूरियात के पे खर्च करने के बाद जो बचा उसे रखा इस नीयत से कि मैं इसकी कुर्बानी करूँगी या करूँगा, उसके बाद वो बचा, अल्लाह ने करम किया वो किसी नागहानी पे हादसे पे तकलीफ़ का खर्च नहीं हुआ, और अल्लाह ने करम किया कि मैंने जिस नियत से रखा था वो उस पे खर्च हुआ। उसके बाद जानवर मैं बहुत मोहब्बत से लेके आया, मैंने उसका पूरे रास्ते ख्याल रखा, घर लाने के बाद ख्याल रखा, अपने बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को, सबको बार बार कहा कि बेटा नहीं, मोहब्बत से बेटा, मोहब्बत से। अल्लाह ताला जिस तरह से हम किसी नेक काम का इरादा करते हैं ना, तो उसके बाद से नेक काम होने तक हमारा एक एक कदम, हमारा एक एक अमल जो है वो लिखा जाता है कि अब ये इस रास्ते पे चल पड़ा है बंदा, तो इसका ये अमल लिखा जाए। इसी तरह से कुर्बानी के लिए भी जब आप बच्चों को प्यार से समझाते हैं, बच्चों को मोहब्बत से कहते हैं और तमीज़ से सिखाते हैं कि नहीं बेटा ये कुर्बानी का जानवर है, इसका ख्याल रखना है, इसको मोहब्बत से रखना है, तो ये आपका अमल लिखा जाएगा। और ना सिर्फ जानवर, तो पता नहीं आई गेस के नहीं समझते होंगे, उनको हमारी लैंग्वेज उनके लिए अननोन होगी, लेकिन जिसको जिसके पास ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब है उसके पास आपकी नेकी रिकॉर्ड होगी। तो उसके बाद आपको, आपने कुर्बानी का एहतमाम किया, फिर आपने किसी पड़ोसी को तंग नहीं किया, कोई पड़ोसी आपकी वजह से उस गंदगी की वजह से परेशान नहीं हुआ, उसको तकलीफ़ नहीं हुई, उसको शिकायत नहीं हुई, फिर आपने कुर्बानी का एहतमाम किया, कुर्बानी अच्छे से हो गई, तो जब आप इस सारे अमल को जब आप बकरीद के बाद अल्लाह ने चाहा तो खैर से इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, और उसके बाद जो अलाइशें निकली वो भी आपने गड़ा खोद के दबा दी, और वहीं पे जाहिर बात है ये एक नेचुरल खाद बनती है, एक नेचुरल प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, तो उस डिकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें, और ये बड़ा जहाँ पे भी आप लगाएंगे उसके ऊपर अगर आप मौसमी या कोई भी फलदार दरख्त के बीज भी साथ ही डाल दें तो ज़मीन के अंदर चूँकि न्यूट्रिएंट्स फौरन फौरन पहुँचे होंगे, तो वहाँ पे उम्मीद है कि अच्छे फलदार दरख्त वहाँ पे ग्रो कर सके। तो आपका ये एक अमल जो है वो कितनी सारी नेकियों की वजह बन जाएगा और कितना अच्छा आपके लिए। और दरख्त अगर सायादार कोई लग गया, आम का लग गया, नीम का लग गया, बरगद का लग गया, पीपल का लग गया, बड़ा दरख्त लग गया कोई, तो बस तो फिर तो आपके लिए सब कहे जा रही है। तो आप जब बाद में इसको रिव्यू करेंगे ना कि भाई हाँ मैंने कुर्बानी की और ये सारे स्टेप्स का ख्याल रखा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील स्ट्रॉन्ग एंड मोर एलिवेटेड के हाँ जी मैंने अपना अमल बहुत अच्छे से किया, और किसी भी मरहले पे किसी को भी शिकायत, लड़ाई, झगड़े का मौका नहीं मिला, और अगर आया भी कोई मौका तो मैंने उसको खुशअसलूबी से तय किया। कोशिश करें कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम अपने इदारों को, अपनी गवर्नमेंट्स को कहते रहे डेफिनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल। इट डज़ नॉट मीन कि उनकी ज़िम्मेदारी का ख़त्म हो जाती है या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब हम दुनिया को देख के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दुनिया को देख के हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि यार ये होना चाहिए, दुनिया में ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, आप लोग नहीं कर रहे, तो दुनिया में लोग भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। दुनिया में लोग अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत में, अपनी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिस जो सही होती हैं, और हमें भी उसको फॉलो करना है एज एन इंडिविजुअल। तो आई एम श्योर कि मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की होगी, और जो कुछ मुझे सही लगा मैंने बताया, कोशिश की मैंने कि मैं बता सकूं, और मैं अपनी ज़ाती हैसियत में तो खैर कभी साहिब इस्तेदाद नहीं हुई, अल्लाह का एहसान है कि हमेशा वालिद और भाइयों और फिर शोहर के ही ज़ेर साया रही और वही लोग कुर्बानियाँ करते रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे गलत लगती थी और अभी भी लगती हैं,
हमने तो हम तो खैर अब अल्लाह का करम है जो कुर्बानी करते हैं तो हम इज्तिमाई कुर्बानी की उस तरफ चले जाते हैं ताकि हमारे किसी पड़ोसी को किसी उसको हमारा हर जो प्रोसेस है वो एक तंजीम की तरफ से हो जाए इज्तिमाई कुर्बानी जहाँ भी हम कर लेते हैं। और ताकि हम अगर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ का ख्याल नहीं रख पाते बारीकियों का ख्याल नहीं रख पाते तो हमारी तरफ से वो एहतमाम करके तो हमने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है इसमें शेयर। आप लोग भी कोशिश करें और कोशिश करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें तो ईद भरपूर हो।